आज के इस वीडियो में ना भाई पूरा मतलब कि शुरू से लेकर के अंत तक आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पेलेटर अकाउंट में क्या 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 होता है। एंड मतलब कि मुझे पता है कि मैक्सिमम बंदा जो भी ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कि फ्लिपकार्ट पेलेटर ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग रिलेटेड इशू को लेकर के वीडियो देख रहे हो, तो आप बने रहो। ये भी बताएंगे कि भाई फ्लिपकार्ट पेलेटर अकाउंट ब्लॉक होता क्यों है और अगर इसका अनब्लॉक करने का कोई तरीका है तो वो क्या है। तो इस पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो, मैं आपको पूरा कुछ बताने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्चुअली है क्या। तो गाइस यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मतलब कि ऑनलाइन से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, वो एक बैंक के साथ बेसिकली IDFC फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप करके एक लोन देने का सिद्धांत किया है। इसमें क्या होगा, बैंक वालों को भी मतलब कि लोन दे सकेगा। इसमें क्या होगा कि उसको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा एंड फ्लिपकार्ट को मतलब कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कस्टमर को मतलब कि इनडायरेक्टली फोर्स कर रहा है सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पर दोनों का प्रॉफिट है। तो जो भी है मतलब कि यहाँ पे हर एक का लिमिट अलग अलग होता है। जैसे कि जब मुझे मतलब कि पहली बार फ्लिपकार्ट पे लेटर का लिमिट मिला था वो 20,000 का मिला था और आफ्टर वन मंथ वो 40,000 हो गया था। एंड यहाँ पे किसी को 2,000, 2,500, 10,000 किसी का एक ही चांस में मतलब कि 70,000 तक की मतलब कि लोन मिल जा रहा था, ठीक है। उसके बाद 1,00,000 भी हो रहा था। तो जो भी है अभी बात करेंगे कि भाई ये फ्लिपकार्ट पे लेटर में सिस्टम क्या है। देखिए फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू अगर आप कुछ सामान ऑर्डर करते हो तो 48 डेज तक आपको मतलब कि पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। अगर आप 48 डेज के अंदर वही अमाउंट अगर आप भरपाई कर देते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और सबसे अच्छा बात है कि यहाँ पे मतलब कि आप EMI पे सामान खरीद सकते हो। समझो कि आपके पास 10,000 रुपया नहीं है और आप एक 10,000 रुपया स्मार्टफोन या फिर TV वगैरह कुछ भी खरीदना चाहे तो आप अभी बिना पैसा लगाए उसको ले सकते हो। हर महीने आप कुछ कुछ मतलब कि थोड़ा थोड़ा पैसा मतलब कि दे करके 1 साल या फिर 2 साल में वो इंस्टॉलमेंट के तरह मतलब पेमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो बाय नाउ पे लेटर के यूज़ करने के बाद। एंड गाइस अभी बात करेंगे कि भाई ये फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट कैसे ब्लॉक होता है, एक्चुअल मेन पॉइंट क्या है। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट ब्लॉक होने का कई सारे रीज़न है तो वो भी बात करेंगे एंड अनब्लॉक कैसे करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई फ्लिपकार्ट पे लेटर को मतलब कि ब्लॉक होता क्यों है। तो गाइस देखिए मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट पे लेटर इस्तेमाल करके आप कुछ ऑर्डर किए हो एंड वो ऑर्डर मतलब कि देखिए हर महीने के एक डेट रहता है, मेरे ख्याल से 5 तारीख होगा फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो भी डेट है, ड्यू डेट है। तो 5 तारीख के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो आपका पैसा तो भी ठीक है। अगर आप 5 तारीख के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपका सिविल स्कोर में इम्पैक्ट होगा, सिविल स्कोर आपका डिक्रीज़ होगा, घटता रहेगा और जितना ये घटेगा आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी ख़राब होता जाएगा। एंड इसके बाद जो बैंक वाला है ना वो आपको लोन देना बंद कर देगा, मतलब कि वो लोन तो कंटिन्यू कर लेगा लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको लोन देना बंद कर देगा और उसी को कहते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर ब्लॉक। अगर आप ये सोचते हो कि खाली फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट ब्लॉक हो गया तो क्या हुआ, मैं और कहीं से लोन ले लूँगा या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लूँगा, तो गाइस मैं आपको बता दूँ आप बिल्कुल गलत हो। ये भी आप नहीं कर सकते। जब सिबिल स्कोर घटता है ना वो इन्फॉर्मेशन सारे बैंक वालों के पास रहता है, मतलब कि आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करते ही ना आपका सिबिल स्कोर पूरा हिस्ट्री उनके सामने खुल जाएगा। एंड आपको पता है ये कुछ भी अप्लाई करने से पहले आपका पैन कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो जो भी है ये तो पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, देखिए आपको अगर ये लगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर को छेड़छाड़ करने से अगर ब्लॉक होता है तो मैं आपको बता दूँ बाहर से भी, मान लीजिए बाहर से आप कहीं से लोन ले रहे हो, मान लीजिए कि आपके पास फ्लिपकार्ट पे लेटर भी है और आपके पास क्रेडिट कार्ड या फिर कोई और लोन है, वहाँ पर भी अगर वो क्रेडिट कार्ड या फिर आपका जो भी लोन लिए हो उसका भी अगर इंस्टॉलमेंट या फिर पैसा पेमेंट आप मतलब कि टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हो, आप बार बार डिले कर रहे हो, मतलब कि देर कर रहे हो देने में या फिर नहीं दे रहे हो, इस सिचुएशन में भी आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा 100% एंड आपका वो जो भी लोन है वही लोन आपका लास्ट लोन होगा। उसके बाद जो है कोई भी बैंक वाला आपको लोन देने में रेडी नहीं होगा। तो यही मतलब कि मेन रीज़न है फ्लिपकार्ट पे लेटर ब्लॉक होने का। और भी 2-1 रीज़न है, जैसे कि मान लीजिए आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर का लिमिट 10,000 रुपया है और आप हर टाइम जो है 10,000 रुपया पूरा खर्चा कर बैठते हो, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि फ्लिपकार्ट यूटिलाइजेशन में बैड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इसके चलते आपका जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट या फिर और जो भी लोन अकाउंट है वो ब्लॉक होने का चांसेस मतलब कि कभी कभी देखा गया 70-80% जो है ब्लॉक हो जाता है। एंड ये था मतलब कि गाइस फ्लिपकार्ट पे लेटर ब्लॉक होने का रीज़न। अभी बात करते हैं कि कैसे इसको अनब्लॉक करते हैं। तो देखिए मैं आपको गारंटी के साथ नहीं कह पाऊँगा कि भाई आप अनब्लॉक कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको
दो चार ऐसी बातें बताऊंगा जिससे फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट मतलब कि अनब्लॉक हो सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर में आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं की हो वगैरह वगैरह, जो भी मैंने अभी तक बताया वो सब कुछ करने के बाद आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट ब्लॉक हो गया है एंड जिसके चलते आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको एक ही करने का रास्ता है जो FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, मतलब कि अगर आप कुछ पैसों का FD करोगे तो उसके ऊपर डिपेंड करके जो बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि आपको शायद पता होगा क्रेडिट कार्ड तभी मिलता है जब आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री मतलब कि हेल्दी रहता है उस टाइम। लेकिन दो एक बैंक ऐसा भी है ना जो वो सब कुछ भी नहीं देखता है। अगर आप कुछ रुपयों का मतलब कि फिक्स डिपॉजिट ढूंढ के बैंक पर कर दो तो उसके ऊपर बेस करके आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको सारे 9,000 रुपया का एक लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड आपको दे देगा। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक हो गया था। मैं 6,000-7,000 रुपया कुछ 2-3 साल से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, अभी भी नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस साइड स्क्रीन पर देख रहे हो। तो मेरा फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट ब्लॉक हो गया है एंड मैंने साथ साथ जो है क्रेडिट मतलब कि FD बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड है ना उसको भी अप्लाई की है। अगर आपको जानना है कि FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड कैसे मतलब कि अप्लाई करते हैं तो इस साइड आई बटन पे देखो एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हैं, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे FD लिंक क्रेडिट कार्ड मतलब कि अप्लाई करते हैं। मैंने बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक से बनवाया था एंड वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का खास फ़ायदा क्या है आपको पता है, मतलब कि वो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करोगे मतलब कि हर साल का जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर मोबाइल रिचार्ज वगैरह वो क्रेडिट कार्ड से करो, ठीक है, एंड टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करो, टाइम टू टाइम जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है उसको पेमेंट करो, ऐसे 6-7 महीने करो। मेरे ख्याल से आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली अनब्लॉक हो जाएगा। एंड मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ना वो मतलब कि 15-20 दिन पहले ही आया है, तो मैंने अभी तक मतलब कि देखा नहीं, मुझे भी अभी 6-7 महीना वेट करना है। तो मुझे लगता है कि गाइस क्रेडिट कार्ड सही से इस्तेमाल करने के बाद क्रेडिट हिस्ट्री जब भी अच्छा हो जाएगा फ्लिपकार्ट पे लेटर भी अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखना है, प्रीवियसली फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो भी पेंडिंग अमाउंट है उसको आपको मतलब कि याद करके पूरा पेमेंट कर देना है, अगर 1 रुपया भी छोड़ोगे ना तो अनब्लॉक नहीं हो सकता है। तो गाइस आई होप कि मैं आपको पूरा समझा पाया हूँ, अगर कहीं पर भी कुछ छूटा हुआ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।